नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज पुरानी एरिए के अंदर, पुराने बसे हुए इलाके के अंदर, ये पुरानी रीसेल वाली कोठी आपको दिखाने आए हैं, जो कि रेडी टू मूव है, जिसको रिसेंटली रेनोवेट किया है। ऊपर से आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरी ये फ्रंट सारा बना हुआ है। लोग इस गली में रह रहे हैं और यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की स्पेस है। सीढ़ी बाहर से है, स्टील की रेलिंग है और ये वाला पेंट जो है अभी फ्रेश किया गया है। जाली का दरवाज़ा भी है और अंदर जैसे हम इंटर करते हैं तो बिल्कुल एंट्री के ऊपर इस तरफ ये बेडरूम कह लीजिए, ड्राइंग रूम कह लीजिए, जो आप ऐसे इसको यूटिलाइजेशन करना चाहें। ऊपर इसके डाउन सीलिंग हो रखी है और बेडरूम के हिसाब से यहाँ पे कबर्ड्स बनी हुई हैं जो रेडी हैं। ये ड्रेसिंग है यहाँ पे, यहाँ पे ग्लास लग जाएगा। इसका अटैच वॉशरूम है और वॉशरूम के अंदर बाथ टब भी लगा दिया गया है ताकि बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर सकें। बड़े तो कम यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों को, बच्चों को बड़ा शौक होता है। जैसे आजकल ट्रेंड है कि सनरूफ वाली गाड़ी लेने का, और वो सनरूफ है वो बच्चों के लिए ही होती है, काम तो कोई और उसका आता नहीं है। तो ऐसे ही ये वाला बेडरूम है, बच्चे यहाँ पे बहुत खुश होंगे। तो ये यहाँ के इसमें टॉर वॉशरूम है जो कि गेस्ट के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर डाउन सीलिंग है और जो हमारा लिविंग एरिया है, ये जो बीच में है, इसमें वॉलपेपर शानदार लगा हुआ है। ऊपर यहाँ पे स्प्लिट एसी की प्रोविज़न दे रखी है और यहाँ पे एलईडी पैनल भी लगा दिया गया है ताकि हम जो लिविंग एरिया में बैठ के टीवी देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक बेडरूम ये वाला भी है, इसके अंदर भी आपको वॉलपेपर बहुत सुंदर लगा हुआ है। ऊपर डाउन सीलिंग की जगह पे पीओपी में डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे स्प्लिट एसी की प्रोविज़न भी है और यहाँ पे जो कवर हैं वो स्लाइडिंग दिए गए हैं, सॉफ्ट क्लोजर हैं। ऊपर भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इस तरफ यहाँ पे जो है ड्रेसिंग भी दिया गया है। तो ये दो कमरे हो गए और अब बाहर जो है हम देखें कि सामने बिल्कुल यहाँ पे पूजा रूम के तौर पे ये वाला रूम इसको दिया गया है। इसको स्टोर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये किचन है, किचन जितनी चाहिए उसके हिसाब से सफिशिएंट स्पेस लग रही हो, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलर किचन की जो चीज़ें होती हैं वैसे ही इसको डिज़ाइन किया गया है। आरओ की, गीज़र की, चिमनी की प्रोविज़न दे रखी है। फिलहाल एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है और स्पेस यहाँ पे 5 फिट बची हुई है। और पीछे यहाँ पे वॉशिंग एरिया भी है, तो वॉशिंग एरिया में भी टाइल लगा दी गई हैं। ऊपर जाल लगाया हुआ है रोशनी के लिए और यहाँ पे टैब है, सब कुछ है। तो मशीन यहाँ पे आराम से आ जाएगी और कपड़े सुखाने वाला जो हमारा स्टैंड होता है, इससे घरों में जो काम आता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखा, एक बेडरूम फ्रंट पे है, एक बेडरूम ये है, किचन है, वॉशरूम है, ड्राइंग एरिया है, एक और है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो सीढ़ियों से जैसे हम ऊपर आएंगे तो यहाँ टफिन ग्लास लगा हुआ है बालकनी में, और ये जो बालकनी है ये आगे जा रही है और यहाँ पे एक बेडरूम नीचे वाले बेडरूम के ऊपर बना हुआ है। तो ये वाला रूम ऊपर देखें आप, डिज़ाइनिंग की है पीओपी में। इसका अटैच वॉशरूम है यहाँ पे और काफ़ी लंबा है ये बेडरूम। अब लंबाई का फ़ायदा उठाया गया है और यहाँ पे स्लैब डाल दी गई है ताकि यहाँ पे स्टूडेंट्स या कोई सिंगल आजकल वर्किंग लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, तो इनको किचन भी मिल रही है और ये वन रूम भी मिल रहा है और छत जो है साथ में छत भी मिल जाएगी। और इसका अटैच वॉशरूम है और एक वॉशरूम यहाँ पे और यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया गया है इस तरफ। तो दो वॉशरूम छत के ऊपर दिए गए हैं इसलिए क्योंकि ये वाला जो बेड़ा है, जो ये ओपन एरिया है, इसको भी कल को कवर करना चाहें क्योंकि ये छत आपकी है, कोठी आपकी है, ऊपर भी छत आपकी है। तो फिर जब यहाँ एक और रूम बनाएंगे तो ये वाला वॉशरूम हमारे काम आ जाएगा। फिलहाल सीढ़ी टेम्पररी लगा दी गई है लोहे की, लेकिन आप चाहें तो परमानेंट सीढ़ी जो नीचे से घूम के ऊपर आएगी वो भी लगा सकते हैं और यहाँ पे वन रूम सेट और बन सकता है, यानी कि दो रूम नीचे दो रूम ऊपर भी बन सकते हैं और फिर छत भी। हेलो,
ये सब कुछ आपने देख ही लिया है, और पड़ोसी यहाँ पे रह रहे हैं, और इधर भी इन्होंने ऊपर एक टेम्पररी कमरा डाल रखा है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट कमरा है। तो पीछे आप यहाँ पे मोर देख रहे हैं बैठा हुआ है। शहर के अंदर मोर दिखना बहुत अच्छी बात है होती है, और ये छतों के ऊपर सामने मोर बैठा हुआ है, आपकी छत पे भी था पहले। और इसका जो प्राइस है यहाँ पे आसपास जो नए विला बन रहे हैं सेम, तो वो 65 लाख के बन रहे हैं, लेकिन ये 55 लाख रुपीज़, 55-90 इसका जो प्राइस है। और 55 में भी अगर बन जाता है तो अच्छी डील है, क्योंकि इसके बिल्कुल बाहर जो नई कोठियां बन रही हैं वो मिल रही हैं 65 लाख, और ये 55, तो 10 लाख का फर्क है। तो 10 लाख आपको भी बेनिफिट है, कल को आप बेचोगे साल के बाद तो 65 आज का प्राइस ही आपको मिल जाएगा, 10 लाख इसमें प्रॉफिट आ सकता है, तो रेंट भी इसमें चढ़ सकता है, तो बढ़िया ऑप्शन है। और ऐसी ऑप्शन ज़्यादा दिन रुकती नहीं है, तो इसीलिए हम एडवांस में कह देते हैं कि जी जल्दी कर लेना, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हालांकि सर्दी है ये मानते हैं, और फिर भी अगर हमें कुछ ऐसी चीज़ लेनी है तो थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। तो कहते हैं हिम्मत मर्द मद्दे खुदा, थोड़ी सी हिम्मत हम करेंगे तो खुदा हमारी मदद कर देगा। और अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। और एक शेर लास्ट में वो भी सुना दें कि मैं इस दर्जा तेरी बातों में मगन हूँ, मैं इस दर्जा तेरी बातों में मगन रहता हूँ, मुझको बातों में मगन छोड़ के जा सकते हो। थक गए हो तो पैरों की थकन छोड़ के जा सकते हो। और ये जो लास्ट लाइन है, क्योंकि वो परिंदा है पीछे और पेड़ कह रहे हैं कि हम पेड़ों को कहाँ आता है हिजरत करना, आप परिंदे हो देश छोड़ के जा सकते हो। तो पेड़ हिजरत का मतलब होता है ट्रैवल नहीं कर सकते, तो पेड़ कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, ये तो परिंदे इस पेड़ से उस पेड़, इस देश से उस देश जा सकते हैं। तो हम यही हैं आपके लिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके काम की होगी। आज के इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।